संसद के मानसून सत्र से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को संसद परिसर का दौरा कर स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। बिरला ने प्रवेश द्वार से लेकर सभाकक्ष तक एक एक स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया तथा जो भी कमियां दिखाई दी उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार सुबह संसदीय सौध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक संसद परिसर का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया तथा वहां लगाए गए थर्मल कैमरे की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने प्रवेश द्वार पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी को भी सैनिटाइज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सांसदों के लिए तैयारी की गई कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी, सभा कक्ष, कॉरिडोर, इनर लॉबी, आउटर लॉबी, वेटिंग हॉल, मीडिया स्टैंड और परिसर में अन्य स्थानों को देखा तथा छोटी मोटी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद का मानसून सत्र विपरीत परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है। मानसून सत्र के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस तथा विशेषज्ञ संस्थानों के सुझावों का पालन करते हुए सभी स्थानों पर सैनिटाइजेशन और अन्य व्यवस्थाएं माकूल रहें, ये सुनिश्चित किया गया है। बिरला ने विश्वास जताया कि सदन का संचालन निर्बाध तथा व्यवस्थित रहेगा तथा सभी दलों के सहयोग से संसद पूर्व की भांति कार्य उत्पादकता हासिल करने में सफल रहेगी। सभी दलों के नेताओं के साथ आज चर्चा हुई है और सभी दलों के नेताओं ने इस विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। सभी दलों ने, नेताओं ने सामूहिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है।